हेलो गाइज, वेलकम टू अख्तर गेमिंग। तो गाइज, मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से धमाकेदार वीडियो लेके आ गया हूँ गाइज, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फ्री फायर में न्यू अपडेट से एक लिंक निकल के आ रहा है गाइज, जिसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना रखें, तभी आप लोगों को पता चलेगा क्या फ्री फायर में क्या लिंक आया गाइज। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फ्री फायर में न्यू कैरेक्टर आने वाला है। जी हाँ गाइज, फ्री फायर ने न्यू कैरेक्टर लॉन्च किया गाइज। तो अगर आप लोग इस कैरेक्टर के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, तो अगर वीडियो को पूरा तक देखें, एंड तक देखें गाइज, स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और हाँ गाइज, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे वीडियो देखें, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल या नॉलेजेबल लगता है गाइज, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्री फायर में न्यू कैरेक्टर आ गया है गाइज, जो बाहर के सर्वर में आ चुका है, इंडियन सर्वर में एक दो हफ्ते में आ जाएगा। ठीक है, तो जिस कैरेक्टर का नाम है गाइज, वो है झोटा कैरेक्टर। ओ नो, झोटा बाबा का झोटा नहीं, जोटा कैरेक्टर। ठीक है, नाम है उसका जोटा कैरेक्टर, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, जो अलोक को टक्कर देने वाला कैरेक्टर है, जो इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ है गाइज। ठीक है, ये कैरेक्टर इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा इस कैरेक्टर का एबिलिटी क्या है, और ये मतलब क्या काम करता है, मतलब इसके बंडर उंडर। ये इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ है गाइज, और इस कैरेक्टर का ये एबिलिटी भी बताने वाला हूँ मैं। और ये इंडोनेशिया के एक कैरेक्टर, मतलब इंडोनेशिया के एक्टर से, मतलब वहाँ का इंडोनेशिया के एक्टर है, उसी को गरेना ने अपने फ्री फायर में लॉन्च किया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ, जो वीडियो लीक निकल के आ रही है कैरेक्टर के बारे में, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस, देख लो आप लोग वीडियो देखो। ठीक है, guys, gua turun di factory ya. Hati-hati bang, banyak sniper yang camping. Yang bener lu bang, di sana. Sniper? Alah, kupu. Terus ikut semua. Masih ada satu. Buset.
तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कैरेक्टर इंडियन सर्वर में नहीं, इंडोनेशिया सर्वर में लॉन्च हुआ गया, तो मैं आप लोगों को इंडोनेशिया सर्वर में लेकर चलता हूँ। उस सर्वर में जाने के बाद मैं आप लोगों को पूरा डिटेल दूंगा कैरेक्टर में, और उस इंडोनेशिया सर्वर में क्या क्या इवेंट चल रहा है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, तो चलते हैं इंडोनेशिया के सर्वर में गाइस। तो देख लीजिए, मैं इंडोनेशिया के सर्वर में आ चुका हूँ। देखते गाइस इसमें कैरेक्टर चल रहा है कि नहीं, आप लोग खुद देख लो, और इसके पूरा इवेंट सेक्शन और स्टोर में क्या क्या चल रहा है तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। तो देख लो, हम लोग इंडोनेशिया सर्वर पे आ गए। तो मैं पहले कैरेक्टर की बात कर लेता हूँ। देख लो कैरेक्टर, आप लोग यहाँ ये गए, ये गाइस ये कैरेक्टर है जोटा कैरेक्टर। ठीक है, बी जोटा, बी जोटा, देख लो जोटा फिस्टा, क्या नाम है यार, मतलब इंडोनेशिया सर्वर का मतलब लैंग्वेज है जो अपन को पता नहीं है। फिस्टा जोस्टा इवेंट चल रहा है एक, जो 16 से 21 मार्च मैरिट पीरियड, मतलब क्या यहाँ तो 16 से 21 मार्च ही मानते हैं। देखो लॉग इन 6 हैरी, मतलब लॉग इन 6 टाइम लॉग इन करोगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब लेवल 6 6 का कार्ड मिलेगा, और लूट बॉक्स है, और पैरासूट है, M10 का स्किन है, MP40 है, और बैकपैक है गाइस। तो बी जोटा करेक्टर देखो, मतलब लॉग इन करने पर ये सब मिल रहा है, ये टोकन मिल रहा है, पता नहीं क्या क्या बहुत अच्छा अच्छा इवेंट निकल रहा है गाइस इंडोनेशिया। 24 घंटे के लिए मुझे मिल गया MP40, तो बहुत अच्छा अच्छा इवेंट निकल के आ रहा है इंडोनेशिया सर्वर में। पता नहीं हमारे इंडियन सर्वर में भी आ सकता है, देखो आने का तो चांस है बहुत। मतलब इसमें ये कलेक्ट करना है गाइस लॉग इन करने के बाद, फिर जोटा फिस्टा मिशन, ये मिशन है। ठीक है, लॉग इन करने पर एक ये टोकन मिलेगा, फिर 20 मिनट तक आप प्लेइंग करोगे तो ये डायमंड रोल वॉच बहुत ही अच्छा इवेंट चल रहा है। अगर 40 मिनट तक आप लोग प्लेइंग करोगे तो आपको मिल रहा है वेपन रोल वॉच, और आप 80 मिनट तक प्लेइंग करते हो तो आपको एक कोल्ड स्टोन मिल रहा है, जो बहुत ही बड़ी बात होती है यार। इतना अच्छा कैरेक्टर, इतना अच्छा इवेंट चल के आ रहा है गाइस इंडोनेशिया के सर्वर में। चलो हम लोग पहले चलते हैं कैरेक्टर के पास। ठीक है, क्या कैरेक्टर का पूरा चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर में अपन लोग आ गए, यहाँ पर देख लो स्टोर में आ गए। ठीक है, स्टोर में जाके देखता हूँ ये कैरेक्टर क्या है। जी हाँ गाइस, ये कैरेक्टर आ गया, देख लो ये कैरेक्टर है। ये टोटल 2750, मतलब 2750 में ये पूरा मतलब मिल रहा है। 2750 डायमंड आपको देना पड़ेगा अगर आप इंडोनेशिया सर्वर में हो तो, इसमें आपको बंडल के साथ ये कैरेक्टर 2750 डायमंड में। ठीक है, तो बंडल तो बहुत, बंडल भी बहुत अच्छा है जो कैरेक्टर का भी अच्छा है। तो देख लो ये कैरेक्टर 599 डायमंड वहाँ दिया जा रहा है। ठीक है, इस ये कैरेक्टर 599 डायमंड में दिया जा रहा है। ठीक है, इसके एबिलिटी के भी बारे में अपन बात कर लेते। देख लो पहले इसका ये, मतलब आप लोग ये देख लो, मतलब क्या इसका स्टीन देख लो आप लोग, मतलब क्या स्टाइल है, क्या करता है ये देख लो यार। हाथ से पता नहीं क्या इलेक्ट्रिक तरह ये यार कुछ, मतलब इसी कैरेक्टर का रूप है। देख लो कैसे, मतलब हाथ में ये यहाँ से चल के उस साइड जा रहा है, उस साइड से मतलब ये पूरा मतलब दौड़ दो, बहुत ही अच्छा एनिमेशन है गाइस। तो चलो मैं इस कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में बात कर लो। ये यहाँ जी हाँ, ये स्टोर पर उपलब्ध हो चुका है। ठीक है, तो कैरेक्टर पर भी उपलब्ध हो चुका है गाइस इसमें इंडोनेशिया सर्वर में। तो मैं देख लूँ क्या एबिलिटी है इसकी, कहाँ गया कहाँ गया, अरे इधर नहीं आया है जोटा, जोटा कैरेक्टर हाँ ये रहा गाइस, ये जोटा कैरेक्टर। ठीक है, इसकी इसकी एबिलिटी क्या है गाइस, तो मैं बताऊँ इसकी एबिलिटी ये है। इसकी एबिलिटी देखो, SMG और शॉर्ट गन किल्स विल इंस्टेंटली रिस्टोर 25 HP कूल डाउन 5 सेकंड। मतलब आप अगर अगर आप किसी बंदे को SMG या शॉर्ट गन से किल करते हो, ठीक है, तो अगर आप किसी बंदे को SMG या शॉर्ट गन से किल करते हो, अगर आप शॉर्ट फाइट लेते हो तो आपको एक किल पे 25 HP मिलेगा। ठीक है, तो मतलब जब इसको आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दोगे, इस कैरेक्टर को लेवल 6 या लेवल 8 कर दोगे तो इसकी एबिलिटी क्या हो जाएगी, मतलब आपको 40 HP मिलेगा। ठीक है, इसकी एबिलिटी टोटल 40 HP देख लो आप लोग, अगर लेवल 6 तक कर दोगे तो, अगर आप SMG शॉर्ट गन से किसी को शॉर्ट रेंज में फाइट ले रहे हो, आप किसी को किल करते हो गाइस, तो 40 HP आपको मिलेगा। ठीक है यार, मतलब आपको मेडिकिट मारने की ज़रूरत ही नहीं,
और 5 घंटे बाद, मतलब 5 घंटा नहीं, 5 सेकेंड यार, लो लो गया, 5 सेकेंड के बाद ये फिर से चार्ज हो जाएगा, जैसे अलोक का वर्क है ना, मतलब जस्ट इसका अपोजिट, मतलब ये एक किल करोगे फिर 5 सेकेंड के बाद, मतलब एक किल करोगे 40 HP आपको मिलेगा, फिर 5 सेकेंड के अंदर अगर आप दूसरा किल कर देते हो तो आपको नहीं मिलेगा, बट 5 सेकेंड के बाद आप फिर दूसरा किल करोगे तो आपको फिर 40 HP मिलेगा, मतलब आपको मेडिकेट मारने की ज़रूरत ही नहीं है, और 5 सेकेंड तो आपको हिलते डुलते कवर लेते ही हो जाएगा गाइस। ठीक है, बहुत ही अच्छा करेक्टर निकल के आ रहा है गाइस, मतलब फ्री फायर ने बहुत अच्छा, मतलब अभी नेक्स्ट लेवल पे, मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा था अलोक 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 अलोक, बट उसके टक्कर का आ चुका है, आप लोग खुद देख लो गाइस, जिसका नाम है जोता कैरेक्टर। ठीक है, जो इंडोनेशिया के सर्वर में लॉन्च हो चुका है, और ये इंडोनेशिया के ही एक एक्टर से, मतलब ग्रेना ने लॉन्च किया है अपने फ्री फायर में। ठीक है, इसकी एबिलिटी मैंने बता दी 40 HP एक पर किल करने पे। ठीक है, तो इसकी एबिलिटी का ये है कि शॉर्ट रेंज में ही एबिलिटी, आप इसको MP40 या शॉर्ट गन से मारोगे तभी मतलब ये वर्क करेगा। ठीक है, मतलब आप सोचोगे कि अस्कार से किसी लॉन्ग रेंज पर फाइट करेंगे, किसी को मार देंगे 40 HP बढ़ेगा, तो नहीं, वैसा नहीं, शॉर्ट रेंज के लिए गाइज। तो और सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, ये इस कैरेक्टर का सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रहा है गाइज, कि मैं आप लोग को बता दूँ कि ये करेक्टर, मतलब जैसे आप अभी आया है क्या अलोक कैरेक्टर हो गया, आप मुर्गा कैरेक्टर क्या बोलते हैं उसको, मतलब हुकोंग हुकोंग कैरेक्टर, उस सब का क्या एबिलिटी था गाइस, वो सब कैरेक्टर आप किसी और कैरेक्टर के साथ नहीं लगा के खेल सकते। ठीक है, बट जोटा कैरेक्टर में ऐसा नहीं है, इस कैरेक्टर को आप किसी और कैरेक्टर के स्किल स्लॉट में लगा के खेल सकते हो, जो बहुत ही एडवांटेज वाली बात हो जाती है, जो इस कैरेक्टर को और मतलब पॉपुलरली और पावरफुल बना सकता है गाइस। जैसे आप लोग, आपके पास अलोक है, ठीक है, तो आप अलोक पे आप 4 स्किल स्लॉट हो गया, ठीक है, जिसमें से एक अलोक फिक्स है, तो 3 में से आप एक कैली रखते हो, ठीक है, तो एक हयातर रखते हो, तो आप पलोमा की जगह अगर पलोमा रखते हो, तो जैसे मैं अलोक फिक्स है मेरा, और हयातो कैली और पलोमा रखता हूँ, ठीक है, तो पलोमा की जगह अगर मैं जोटा कैरेक्टर को रख लेता हूँ गाइस, तो सोच लो बंदे को मैं इतना पेलूंगा कि वो समझ ही नहीं पाएगा यार, मतलब एक तो अलोक से मेरा मेडिकेट मेरा हील होगा, उसके बाद पर किल करूंगा जोटा के थ्रू शॉर्ट रेंज में फाइट करने में, तो 40 HP मिलेगा, एक अलोक का एडवांटेज 50 HP और इसका 40 HP 90 HP, तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो मेडिकेट मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है यार, पूरा गेम को ही पलट के रख देगा। ठीक है, पूरा गेम को पलट के रख देगा गाइस, तो देख लो आप लोग कितना अच्छा करेक्टर निकल के आ रहा है, और तो अगर आप लोग को ये करेक्टर पसंद आता है गाइस, ठीक है, अगर आप लोग को ये करेक्टर पसंद आता है तो कमेंट करके बताओ, वहाँ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो कमेंट करके बताओ जी कि अख्तर भाई मुझे पसंद आया ये करेक्टर, तो मुझे भी लेना है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लें, मैं तो यही बताऊँ कि बहुत ही अच्छा करेक्टर है गाइज, मतलब अलोक के बाद, मतलब अलोक से तो मतलब ये नहीं कर सकते, इसका कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सबका अपना अपना काम है। ठीक है, इसका अपना काम है, उसका अपना काम, बट ये दोनों करेक्टर अगर एक हो गया ना, सामने वाले की पावर नहीं है कि आपको गिरा सके। ठीक है, तो मैं आपको ये पूरा डिटेल दे दिया हूँ, तो आप लोग ध्यान रखें, बस पर किल सबसे बड़ा एडवांटेज, पर किल 40 HP सबसे बड़ा एडवांटेज गाइस। तो मैं इस कैरेक्टर के बारे में आप लोग को बता दिया हूँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी ये नया नया इंडियन सर्वर नहीं है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए इस वीडियो को। ठीक है, जितना जितना दोस्त सारे दोस्त जितना फ्री फायर खेलता है फैला दो यार उसको, उसको ही पता चले कि फ्री फायर में क्या धमाल होने वाला, गरेना क्या करेक्टर लेके आया। ठीक है, तो आप लोग को ये भी बता दूँ कि मेरे चैनल पे हर संडे गिव होते रहते हैं गाइस, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दिया रहेगा, आप लोग कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है।